हेलो दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे परफ्यूम के बारे में और परफ्यूम के आसपास की चीज़ों के बारे में। तो आज एकता है हमारे साथ में, तो चलिए बात करते हैं। और ऐसी कौन सी फ्रेगरेंस होती है जो मोस्टली कॉम्प्लीमेंट दिला सकती है लड़कों को? जो कौन सी ऐसी, मतलब फ्रेश वाली होती है, स्वीट वाली होती है, स्पाइसी, शादी वाली, कोबरा, ऐसी कौन सी खुशबू होती है जिससे तारीफ मिल सकती मुझे है? मुझे जो पसंद है वो है रफ एंड टफ, जैसे कि जिसमें थोड़ा सा लेदर का भी टच हो, थोड़ा स्मोकी टच हो, थोड़ा बार वाला, तो इस टाइप का जो होता है थोड़ा, क्योंकि वो मैन की पर्सनैलिटी को बहुत स्ट्रांग बना देता है, तो अलग ही वो दिखता है। तो मुझे पर्सनली वो पसंद है, बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है। थोड़ा अच्छा, मतलब जिसमें थोड़ा लेदर होता है, स्मोक सा होता लेदर होता है, है, थोड़ा मतलब सा पोलराइज जो स्ट्रांग, मैनली फ्रेग्रेंस होती है। डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग। ओके ओके, तो जो स्वीट फ्रेग्रेंस होती है, जो एकदम मीठी मीठी होती है, चाशनी जैसी होती है कुछ कुछ, वो अच्छी नहीं लगती? देखो, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी मीठा टच तो हर चीज़ में आ जाता है। मतलब काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेज होती है जिसमें थोड़ा सा स्वीट टच आता है, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अपने ओकेजन का है। बट अगर मेरे से पूछेंगे कि मतलब मोस्टली मेरे को क्या पसंद है, तो मेरे को वो ही थोड़ा सा डोमिनेटिंग वाला तो पसंद है। अच्छा, एक बार इस वाले फ्रेग्रेंस को ट्राई करो और बताओ कि कितना पसंद आता है। कॉम्प्लीमेंट दिला सकते हैं लोगों को नॉर्मली अपने कॉलेज डेज में, ऑफिस डेज में, या कैसे? हाँ, ये कॉलेज डेज के लिए, रेगुलर फ्रेंड्स मीटिंग के लिए ये अच्छा है। तारीफ मिल सकती है इस पे लड़कों यस को? कुछ यस, मिल सकती है। ज्यादा अच्छा मीठा तो है? नहीं है? नहीं, बहुत मतलब स्वीट टच है वो, थोड़ा सा है और मैनली भी है, तो ये अच्छा है, अच्छा, काफ़ी बढ़िया, अच्छा है। पास मतलब है। इसको मोस्टली लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छा आउट ऑफ है। 10 कितने? आउट ऑफ 10, 9.5। अरे वाह। अब बात करते हैं इसके बारे में, एक बार इसको ले। अच्छा, ये कैसा फील हो रहा है? मतलब ये तो कॉम्बिनेशन है यार, मतलब स्वीट भी है, एक्वेटिक भी है, फ्रेश भी है और मैनली भी है, सारा मुझे इसमें मिक्स लग रहा है। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बहुत अच्छा है। ये उस वर्जन में तो नहीं आएगा जो मैं कह रही थी कि थोड़ा मैनली है, डोमिनेटिंग है, वो वाला तो नहीं है, बट ये जॉली पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कौन से ओकेजन में ठीक लगेगा किसी के ऊपर? ये। मतलब तुम ऑल टाइम भी लगा के रख सकते हो, ये वो वाला है, मतलब एवरीडे एनी सेंट टाइम। है ये? हाँ, एवरी डे एवरी डे, बहुत अच्छा है। और किसी में से ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही तो उस बंदे की कैसी वाइब बन जाएगी थोड़े मैं टाइम वही तो में? बता रही हूँ, जॉली पर्सन जो होते हैं ना, बहुत हैप्पी टू फन गो लविंग, हैप्पी टू एकदम। बी, यस वो वाला, और ये वेरी नाइस। लगभग 4,500 का आता है, तो वर्थ है ये प्राइस? अच्छा क्वालिटी पौने है। पौने 4,000 का है। हाँ देखो, जो फ्रेग्रेंस लवर्स हैं, जिनको सीरियसली अपने आप को थोड़ा डिफरेंट दिखाना है और जिनको चाहिए होती है ये चीज़ें, उसके लिए तो बेस्ट है, वो तो इन्वेस्टमेंट में कर आउट सकता ऑफ है। 10 कितना? आउट ऑफ 10 मैं इसको दूंगी 9। क्या बात है। यस, वेरी नाइस। बट थोड़ा सा मतलब रेंज के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है वो, है ये एक्सपेंसिव है, बट बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है, तो आप एवरी डे में इसको कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट फ्रेग्रेंस पे चलते यस, हैं। ये वाला उठा ले, दिस, ये इसके राइट वाला। ये वाला। हाँ, ये 14,000 रुपये के परफ्यूम का क्लोन है, एक बार इसको ट्राई कर, जोर से दबाना। हो गया, हो गया, आ गया। अगेन रफ टफ सा थोड़ा। ये पहले भी हमने बात हाँ, करी थी मुझे याद इसकी। है तेरे पास परफ्यूम ही इतने, मेरे को ये याद तो रहता नहीं किस बारे में बात करिए, बट ये भी रफ एंड टफ है, डिफरेंट है, थोड़ा स्मोकर्स वाला लग रहा है मुझे, एल्कोहलिक स्मोकर्स का मिक्स, अगेन डोमिनेटिंग। अच्छा है, यस, कैसे आदमी पर अच्छा लगेगा, कैसे लड़के पर अच्छा लगेगा? मतलब जो बाइकर्स होते हैं और क्लब वगैरह में जाना पसंद करते हैं, थोड़े रफ एंड टफ, बियर्ड वाले, स्ट्रिच वाले, इस तरह के जो अच्छे खासे मतलब तकड़े चौड़े होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा लगेगा। और कौन से ओकेजन पे अच्छा लगेगा? यस, ये आप कहीं भी, जैसे कि बाहर अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, पार्टीज में भी चलेगा, ठीक मीटिंग्स है, में मीटिंग्स में भी चलेगा, छोड़ दे इसको ऐसे। और ठीक है यार, सब पे जाएगा, बहुत अच्छा है। तो इसको आउट ऑफ 10 कितने मिलेंगे? इसको मैं आउट ऑफ 10 दूंगी, 9 ही दूंगी इसको भी, क्योंकि सब यार ऐसा नहीं कि मैं इनको कंपेयर करूँ, सब अपनी जगह पे है, ये तो ये बिल्कुल अलग भी कैटेगरी का हाँ है। अलग कैटेगरी का है, 9 है, ये भी बहुत अच्छा है। राइट, गुड। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में, ये भी बहुत अलग कैटेगरी में चला जाता है और बहुत रेयर है आजकल। तो चलो एक बार इसके बारे में बात करते हैं। ये ले। अच्छा, वेरी डोमिनेटिंग अगेन, थोड़ा मस्की मस्की सा है और थोड़ा सा इसके अंदर डोमिनेंस है, समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का, लेकिन बहुत स्ट्रांग है ये, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत लॉन्ग लास्ट रहने वाला है, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा,
टाइम तक रहने वाला, इतना सॉलिड इतना स्ट्रॉन्ग इसका फ्रेगनेंस है। अगेन बहुत डिफरेंट फ्रेगनेंस है, बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो किसी में से आपको आपने सूंघा हो आपको दोबारा आपके में, ऐसा नहीं है, बहुत ही अलग यूनिक है, यूनिक है। अगर आपने इसको लगाया है तो जो भी इसको स्मेल करेगा उसको ऐसा लगेगा कि उसने कहीं सूंघा नहीं है, ये डिफरेंट आपको अलग ही पर्सनैलिटी देगा ये। अब एक के बारे में और बात करते हैं जो थोड़ा सा रेयर मिलता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, मस्किनो टॉय बॉय। एक बार इसको यूज कर भाई, ये मेरा फेवरेट है। ये मेरा फेवरेट है। ये बहुत डिफरेंट है यार, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं इसके लिए कोई वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, सारे वर्ड्स कम है। ये बहुत अच्छा है, पता नहीं क्या है ये, बट ये बहुत बहुत अच्छा है। ये किसमें से ऐसी स्मेल अच्छी लगेगी, किसमें से अच्छी लगेगी यार, एक ऑलराउंडर बंदे में से अच्छी लगेगी। मैं इसको कैटेगराइज नहीं कर सकती क्योंकि ये कैटेगराइज हो ही नहीं पाएगा, कोई भी इसको लगाए मतलब कोई भी बंदा इसको लगाएगा वो अलग ही दिखेगा सबसे। ना तो ये स्मोकिंग की तरफ जा रहा है, कुछ बार क्लब की साइड जा रहा है, ना ये फ्रेंड जोन की तरफ जा रहा है, ना पार्टीज की तरफ जा रहा है, ये एक ऑलराउंडर स्मेल है, ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस है ये। मतलब किसी की पर्सनैलिटी इनहेंस हो सकती है, इनहेंस हो सकती है क्योंकि बहुत अलग चीज है और ये ऑलराउंडिंग को कर रहा है, मतलब आप वो कहीं भी लगा सकते हो, होल समय पूरा बिल्कुल कंप्लीट, तभी ये सबसे डिफरेंट और मेरा फेवरेट है मेंस में। बस इसको चोरी मत करियो, बस भाई गया। अच्छा एक और के बारे में बात करते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता उसके बारे में, और वो हमारे घर में तो दो बॉटल है, एक बार इसको और बता दे। एक बार एक ही तेरे पास है और एक ही मेरे पास है, मैं भी इसको यूज करती हूँ। ओ यार तेरा ले गई थी चुरा के, याद है फिर। मतलब मोस्टली मेरे को जो पसंद है ये, क्योंकि ये तो मेरे को ये आउटिंग के लिए बेस्ट है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे को मेरे फ्रेंड्स की याद आती है कि हम सारे मिल रहे हैं, आउटिंग्स पे जा रहे हैं, गेट टुगेदर वाला फीलिंग आती है इसको सूंघने के बाद। ये बहुत अच्छी है और कौन कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा इसकी, इतना लॉन्ग लास्टिंग है ये, इसको मैं अभी लगाती हूँ रात तक रहेगी, जितनी लाइट होती जाएगी उतनी सुंदर इसकी खुशबू होती जाती है। वैसे तो ये मैंने लिया है बट इसको मैं लगाती हूँ और मैं इसको रिकमेंड करती हूँ, लड़की भी इसको अगर लगाएगी, लड़की भी इसको लेगी तो उसको इतना पसंद आएगा, वो कोई गर्ल्स परफ्यूम यूज नहीं करेगी, वो इसी को यूज करेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जब से तूने ये लिया है तब से ही ऐसे इसके आसपास की फ्रेग्रेंस आ रहे हैं। बहुत अच्छा यार, बहुत बहुत अच्छा। थोड़ा सा मिस्टीरियस है ये, मिस्टीरियस है ही, इतना मतलब सिंपल प्लेन तो नहीं, गुलाब का खुशबू तो सिर्फ गुलाब नहीं, आ रहा नहीं, है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे क्या पता चलता है इसके अंदर क्या है, कौन से नोट आते हैं इसके अंदर से, यार मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगी क्योंकि आप इसको ये भी कह सकते हो कि मिक्स फ्लावर भी इसके अंदर है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कौन कौन से फ्लावर है, कोई स्पेशल एक फ्लावर डोमिनेटिंग नहीं है इसके अंदर, कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा शायद आप बोल सकते हो थोड़ा मस्की होएगा, थोड़ा सा एक्वा होएगा, थोड़ा फ्लोरल होएगा, हर चीज को मिक्स करके बना दिया, इतनी प्यारी खुशबू है ये, थोड़ा एक्वा है, समझ नहीं आ रहा क्या है, बट ये बहुत प्यारा है, मुझे नहीं, मुझे लेना देना भी नहीं है क्या है ये, मुझे मतलब ही नहीं है, मेरे को इतना पसंद है ये, बस हवा में अच्छा स्मेल करना चाहिए, बस मेरी बॉटल खत्म ना हो। सही है, मिलनी मुश्किल है आजकल, खत्म ना है बस चलती रहे। अच्छा एक बार इसके बारे में और बता, ये जो ये वाला है इसको तो मेरे को तो बहुत पसंद, मुझे पता ही तेरा फेवरेट है। दूसरी यहाँ पर लगा दी इसको। हाँ कैसी वाइब आ रही है इसके अंदर से, थोड़ा सा ना नेचर वाली आ रही है, थोड़ा सा मतलब ग्रीनरी को कर रहा है रिप्रेजेंट, ये थोड़ा सा लेमन ग्रासी, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश जो खुशबू होती है वो है इसके अंदर, और इसको भी मतलब मेरे हिसाब से इसको भी हम किसी भी इवेंट पे लगा सकते हैं, ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है, एवरीडे टाइप का है, एवरीडे टाइप का है, जिम टाइप का है, मतलब फ्रेश वो देगा ये पर्सनालिटी टाइप, एक फ्रेश ऑरा बनाएगा। हाँ फ्रेश ऑरा बनाएगा, आप मतलब कोई भी अगर कोई भी इसको स्मेल करेगा तो उसको बहुत फ्रेश खुशबू आपके अंदर से आएगी, नेचर की, बहुत बहुत प्यारा है। जिम में लगा सकते हैं इसको, जिम में लगा सकते हो, हर जगह लगा सकते हो, मीटिंग्स में लगा सकते हो, जिम में लगा सकते हो, घूमने जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, हर जगह लगाओ आप इसको, ऑलराउंडर है। अगर किसी को एक रखना हो तो ये बेस्ट है, बिल्कुल एक तो देखो एक रखना हो तो ये बेस्ट है, और भाई इसको मत छोड़ना, वेरी नाइस, बताया था ना मैंने आपको 9.5 भाई। और कितने का वैसे, कितने का ये कौन सा, ये सस्ता है, 1250 रुपए का 100 ml आता है, मैं वही तो बोल रही हूँ, ये
ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो इस कम बजट में हर कोई बंदा ले सकता है और हर ओकेजन पे लगाओ। जिसका क्लोन है वो ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार रुपए का है। बहुत प्यारा है, सेम खुशबू है, सच में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसके बारे में कुछ बता, टॉय बॉय इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपेंसिव बताया, एक्सपेंसिव साइड है। मेरा फेवरेट तो है ही, मैंने पहले भी स्मेल किया हुआ है, बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है भाई, ऑलराउंडर है। अगर बजट हो तो ये लेना चाहिए, अगर आपका बजट हो तो बिल्कुल इसको ट्राई करो, आप बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करो, इसको बिल्कुल मिस मत करना, ये बिल्कुल अलग खुशबू देगा आपको। और रसासी हवस जो ये बैठा है पर्पल दिस वाला, हाँ मैं बता चुकी हूँ उसके बारे में, ये भी ऑलराउंडर है, बिल्कुल ऑलराउंडर, हाँ भाई ऑलराउंडर। इसके अगर बजट है, अगर कॉस्ट क्या है, 3700 ये तो ले सकते हो यार, अब उसको आप ट्राई कर सकते हैं, बंदे 5000 वाले को तो उसको तो बिल्कुल ट्राई करो, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस अगर 3500 3700 मिल रही है तो गो फॉर इट। अगर हम ऐसे अरेंज करें कि एक ये है 1500 रुपए का, एक ये है 3500 का, और एक ये है लगभग 4-5 हज़ार का, तो अगर बजट है किसी का कम तो ये ऑलराउंडर है, हाँ, है ना, हाँ, अगर थोड़ा है ये भी ऑलराउंडर है, और थोड़ा है तो ये भी ऑलराउंडर है। अच्छा तो ठीक है, मतलब बजट की बात है, तीनों ही परफेक्ट है। कम आपकी बजट है तो पहले ये लो, ये ले सकते हो, थोड़ा एवरेज कर सकते हो तो ये ठीक है, अगर आप एक्सपेंसिव अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं डन, आगे आने वाली वीडियोस में और बात करेंगे। चलो बाय बाय।